झारखंड में साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है। झारखंड पुलिस ईडी की सहायता से आम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेज करेगी। झारखंड पुलिस की तरफ से आधा दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों की लिस्ट ईडी को सौंपी गई है। साइबर अपराध के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर समेत साइबर अपराध से प्रभावित सारे जिलों में साइबर अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल होमकर के अनुसार राज्य में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। वर्तमान समय में 9 साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर ईडी को भेजा गया है। जिन साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी उनमें कुख्यात साइबर अपराधी लालू राणा, इस्माइल अंसारी और मिखाइल अंसारी भी शामिल हैं। से एक बहुत बड़ी चुनौती है और झारखंड पुलिस इस चुनौती को लेके लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें जो हमारी जो विशेषकर जो खास जो हॉटस्पॉट्स है, जो ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं जिसमें से इस तरीके की ज़्यादा वारदात रिपोर्ट होती है, उन पर हम लोगों ने विशेष रूप से स्पेशल अभियान भी चलाया है। और ऐसे साइबर क्रिमिनल्स जो साइबर अपराधों के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्तियों को अटैच करने के लिए भी प्रपोजल्स भेजे गए हैं। अभी तक 9 ऐसे प्रपोजल्स जो है वो पीएमएलए के एक्ट के अंदर में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं। और खासकर जामताड़ा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, इन क्षेत्रों में ये कार्रवाई आगे भी चल रही है। प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके और वैसे जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के साइबर अपराधी झारखंड में बैठकर अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ ठगी करते हैं। ऐसे में साइबर अपराध की घटना में ठगी के शिकार होने वाले लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। उस पर झारखंड पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। इसके लिए बाकायदा विशेष पोर्टल भी बनाया गया है। नेबरिंग स्टेट्स है या अन्य स्टेट्स है जो कि यहाँ के अपराध साइबर अपराध कर्मियों के शिकार होते हैं, उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए भी ऑनलाइन कॉपरेशन पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें वो ऑनलाइन भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और जिस पर झारखंड पुलिस कार्रवाई करती है। तो एक ऑलराउंड एफर्ट किया जा रहा है। सभी जगह साइबर डीएसपी की भी पोस्टिंग की गई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कार्रवाई इन पर हो रही है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।